हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से जो आज आपके साथ चर्चा की जाएगी वो उसका विषय है दैनिक राशिफल, यानी के मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी राशि के जातकों के विषय में आज के राशिफल की चर्चा होगी। और ये जो राशिफल है दिनांक 18 दिसंबर 2020 के लिए है। तो आइए आज करते हैं चर्चा मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी राशियों के जो जातक हैं उनके लिए कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको आज के पंचांग के विषय में जानकारी देंगे और पंचांग इस प्रकार है, दिनांक 18 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार, तिथि चतुर्थी जो कि दोपहर 2:23 तक रहने वाली है, उसके बाद तृतीया आरंभ होगी, क्षमा करें पंचमी आरंभ होगी। और नक्षत्र है श्रवण और योग है व्याग्था और करण है विष्टि और चंद्रमा जो है वो पूरे दिन मकर राशि में रहने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त आज जो राहु काल का समय होगा वह सुबह 11:03 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त जो है वो दोपहर ठीक 12:00 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। तो आप जो भी अपना कार्य आज के दिन कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो वह कार्य आप इस अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। यह आज का बहुत ही शुभ मुहूर्त है जो हमने आपको बताया है। अभिजीत मुहूर्त जो होता है वो बहुत शुभ मुहूर्त माना गया है सभी प्रकार के शुभ कार्यों को करने के लिए। अब हम आपसे चर्चा करेंगे कि जो आज का राशिफल है आप मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक वो क्या कहता है। तो आइए आरंभ करते हैं मेष राशि के जातकों का राशिफल 18 दिसंबर को लेके। तो आइए जानते हैं, आज आपको कई दिक्कतों और मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है जिस वजह से आप झुंझलाहट और बेचैनी महसूस करेंगे। जिन लोगों ने जमीन खरीदी हुई थी और अब उसको बेचना चाहते हैं उन्हें आज कोई अच्छा खरीदार मिल सकता है और जमीन बेचकर उन्हें अच्छा धन लाभ भी हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों से मतभेद खत्म करके आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपका प्रिय दिन, आपको जो प्रिय दिन भर मतलब जो आपका प्रिय है वो पूरे दिन आपको याद करने में अपना समय बिताएगा। अपने बॉस, अपने सीनियर्स को घर पर बुलाने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता। दूसरों को यह बताने के लिए ज्यादा उतावले बिल्कुल ना हो कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपका जीवन साथी आपको प्यार का एहसास देना चाहता है, उसकी आप मदद करें। उपाय, आज का उपाय होगा मांस मछली तंबाकू अंडा जितने भी तामसिक प्रकार के भोजन हैं उनका पूर्णतया आप त्याग करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी नौकरी या व्यापार में उन्नति होगी। अब हम चर्चा करेंगे जो वृषभ राशि के जातक हैं उनका आज 18 दिसंबर 2020 क्या लेकर के आया है उनके लिए। देखिए, जिंदगी की ओर एक उदार रवैया अपनाएं। अपने हालात की शिकायत करने और उसे लेकर दुखी होने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। यह ज्यादा मांगने वाली सोच जीवन की सुगंध को खत्म कर देती है और संतोषी जीवन की आशा का गला घोंट देती है। धन की आवाजाही आज पूरे दिन होती रहेगी और दिन ढलने के पश्चात आप बचत करने में भी
सक्षम हो पाएंगे। पारिवारिक मोर्चे पर समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं। पारिवारिक जिम्मेवारियां की अनदेखी आपको सबकी नाराजगी का भी केंद्र बना सकती है। अगर आप हुक्म चलाने की कोशिश करेंगे तो आपके और आपके प्रिय के बीच काफी परेशानी भी खड़ी हो सकती है। अपने लक्ष्यों का पीछा करने के लिए आज उम्दा दिन है। अपनी शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा बनाए रखिए ताकि आपकी जी तोड़ मेहनत कर जल्द से जल्द उन्हें हासिल कर सकें। इस मामले में आप अपने दोस्तों की मदद भी ले सकते हैं, इससे आपका उत्साह बढ़ेगा और उद्देश्य को पाने में भी सफलता मिलेगी। इस राशि के लोगों को आज अपने आप को समझने की जरूरत है। यदि आपको लगता है कि आप दुनिया की भीड़ में कहीं खो गए हैं तो अपने लिए आप वक्त अवश्य निकालें और अपने व्यक्तित्व का आकलन करें। ठीक जो आपका कम्युनिकेशन है वो ठीक ना होने के चलते परेशानी भी खड़ी कुछ हो सकती है, लेकिन मिल बैठकर बात करने से समस्याओं को सुलझाया भी जा सकता है। आज का उपाय रहेगा आपके लिए सफेद चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर एवं नाभि स्थल पर करने से आपका पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। अब हम चर्चा करेंगे जो मिथुन राशि के जातक हैं उनका आज 18 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार कैसा रहने वाला है। तो आइए जानते हैं, आपका बच्चों जैसा भोला स्वभाव फिर सतह पर आ जाएगा और आप शरारती मनोदशा में रहेंगे। बिना बताए आज कोई देनदार आपके अकाउंट में पैसे डाल सकता है, जिसके बारे में जानकर आपको भी अचंबा होगा और खुशी भी होगी। घर पर कोशिश करें कि कोई आपकी वजह से आहत ना हो और परिवार की जरूरतों के मुताबिक खुद को ढालें। आज प्रेम संबंधों में अपने स्वतंत्र विवेक का इस्तेमाल करें। दफ्तर में हुए बदलावों से आपको आखिरकार लाभ मिलेगा ही। जरूरतों की मदद, जो जरूरतमंद है उनकी मदद करने की आपकी जो खासियत है वह भी आपको आज सम्मान दिलाएगी। आपका जीवन साथी किसी फरिश्ते की तरह आपका बहुत ध्यान रखेगा। आज का उपाय रहेगा आपके लिए मिट्टी का खाली घड़ा ढक्कन सहित बहते जल में प्रवाहित करेंगे तो आपकी पारिवारिक जीवन की जो समस्याएं हैं वो आज दूर होंगी। अब हम चर्चा करेंगे कि जो कर्क राशि के जातक हैं उनका आज 18 दिसंबर 2020 का दिन कैसा रहने वाला है। तो देखिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके अतिरिक्त जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए अतिरिक्त सावधान रहने का आज का दिन है। उनको थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा स्वयं को लेकर के। जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है आज उन्हें उस लोन की राशि को चुकाने में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। परिवार में किसी बुजुर्ग की खराब तबीयत परेशानी का कारण बन सकती है। आज अचानक किसी से रोमांटिक मुलाकात भी हो सकती है। ऐसे लोगों से आप साथ जुड़े जो स्थापित हैं और भविष्य के रुझानों को समझने में आपकी मदद कर सकते हैं। जीवन की पेचीदगियों को समझने के लिए आज घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ आप वक्त गुजार सकते हैं। किसी बच्चे या बूढ़े के स्वास्थ्य को लेकर हुई परेशानियां अप्रत्यक्ष रूप से आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित कर सकती हैं। आज का उपाय आपके लिए रहेगा शराब का पूर्णतया शराब या किसी भी प्रकार का कोई नशा, उसे पूर्णतया त्याग करने से आपके पारिवारिक जीवन में सुख और शांति की वृद्धि होगी। आगे हम चर्चा करेंगे जो सिंह राशि के जातक हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो आइए जानते हैं। देखिए, आपका जो व्यक्तित्व है आज इत्र की तरह महकेगा और सबको अपनी ओर आकर्षित भी करेगा। माता या पिता की सेहत पर आपको आज कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है, इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ा सा डगमगा सकती है, लेकिन साथ ही रिश्तों में भी आपके मजबूती आएगी। दिन को कुछ स्पेशल बनाने के लिए शाम को परिवार के साथ किसी अच्छी जगह खाना खाने जा सकते हैं। आपका प्रिय आपको खुश रखने के लिए कुछ खास करेगा। योग्य कर्मियों को पदोन्नति या आर्थिक मुनाफा हो सकता है। साफ गोई से अपने मन की बात कहने में आप ना घबराएं। आपको खुश करने के लिए आपका जीवन साथी काफी कोशिशें कर सकता है। उपाय, आर्थिक स्थिति को अच्छा रखने के लिए
हाथ में सोने या सोने की अंगूठी जरूर पहने, या तो सोने का कोई छल्ला या सोने की अंगूठी आप जरूर पहनिएगा। अब हम आपसे चर्चा करेंगे कि जो कन्या राशि के जातक हैं उनका आज का दिन कैसा जाने वाला है। देखिए, सकारात्मक विचारों को ही दिमाग में आप आने दीजिए। माता या पिता की सेहत पर आपको आज बहुत धन खर्च करना पड़ सकता है, इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ा सा बिगड़ सकती है, लेकिन साथ ही रिश्तों में भी मजबूती आएगी। अनचाहे मेहमानों से शाम को आपका घर भरा रह सकता है। अचानक मिला कोई सुखद संदेश नींद में आपको मीठे मीठे सपने देगा। भागीदार आपकी योजनाओं और व्यावसायिक ख्यालों के प्रति उत्साही रहेंगे। अपना समय और ऊर्जा दूसरों की मदद करने में आप लगाएं, लेकिन ऐसे मामलों में पड़ने से बिल्कुल बचें जिनसे आपका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कोशिश करें तो आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन आज गुजार सकते हैं। आज का उपाय रहेगा आपके लिए, घर में पौधों के गमलों में या फिर बाथरूम में हरे पत्थर के दाने या हरा मार्बल रखने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह मजबूत होगी। अब हम चर्चा करेंगे जो तुला राशि के जातक हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। देखिए, डर आपकी खुशी को बर्बाद कर सकता है। आपको यह समझना चाहिए कि यह आपके अपने ख्यालों और कल्पनाओं से पैदा हुआ है। डर सहजता को खत्म कर देता है, इसीलिए इसे शुरुआत में ही कुचल दें ताकि यह आपको कायर ना बना सके। पैसे की अहमियत को आप अच्छे से जानते हैं, इसीलिए आज के दिन आपके द्वारा बचाया गया धन आपके बहुत काम आ सकता है और आप किसी बड़ी मुश्किल से निकल सकते हैं। अपने मेहमानों से आप बिल्कुल भी खराब व्यवहार ना करें। आपका ऐसा व्यवहार ना केवल आपके परिवार को दुखी कर सकता है बल्कि संबंधों में भी तनाव और दूरी पैदा कर सकता है। आपका होना इस दुनिया को आपके प्रिय के लिए रहने के काबिल बनाता है। चीजें कार्य क्षेत्र में बेहतर नजर आती हैं। पूरे दिन आपका मिजाज बढ़िया रहेगा। जीवन का आनंद लेने के लिए आपको अपने दोस्तों को भी समय देना चाहिए। अगर आप समाज से कटकर रहते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। आज आपका वैवाहिक जीवन हंसी खुशी, प्यार और उल्लास का केंद्र बन सकता है। आज का उपाय रहेगा आपके लिए काले धतूरे के बीज भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो उससे आपका हेल्थ और परिवार के अंदर माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम चर्चा करेंगे जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो देखिए, छोटी छोटी चीजों को खुद के लिए परेशानी का सबब ना बनने दीजिए। अपने खर्चों पर आप काबू रखें और आज हाथ खोलकर व्यय करने से बचें। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके लिए खुशनुमा एहसास आपको कराएगा। वह आपकी उम्मीदों पर भी खरा उतरेगा और आप उसके जरिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे। आपका बेपनाह प्यार आपके प्रिय के लिए बेहद कीमती है। किसी ऐसे नए उद्योग से जुड़ने से आप बचें जिसमें कई भागीदार हों, और अगर जरूरत पड़े तो उन लोगों की राय लेने से भी आप पीछे ना हटें जो आपके करीबी हैं। इस राशि वालों को आज खुद के लिए काफी समय मिलेगा। इस समय का उपयोग आप अपने शौक को पूरा करने में कर सकते हैं। आप कोई किताब पढ़ सकते हैं या अपना पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं। आज आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ बेहतरीन पल भी गुजार सकेंगे। आज का उपाय आपके लिए रहेगा पीले रंग के जूतों का प्रयोग करने से नौकरी व बिजनेस में उन्नति होगी। धनुराशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। निवेश करना कई बार आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। आज आपको यह बात समझ में आ सकती है क्योंकि किसी पुराने निवेश से आज आपको मुनाफा हो सकता है। किसी धार्मिक स्थल या संबंधी के यहाँ जाने की संभावना है। आज का दिन प्रेम के रंगों में डूबा रहेगा, लेकिन रात के वक्त किसी पुरानी बात को लेकर आप झगड़ सकते हैं। आपकी कड़ी मेहनत और निष्ठा खुद आपके लिए बोलेगी व दूसरों का विश्वास एवं सहयोग आपको हासिल होगा। आज के दिन में आप बहुत व्यस्त रहने वाले हैं, लेकिन शाम आते आते या शाम के वक्त
अपने मनपसंद कामों को करने के लिए भी आपके पास पर्याप्त समय होगा। किसी बच्चे या बूढ़े के स्वास्थ्य को लेकर हुई परेशानी अप्रत्यक्ष रूप से आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। आज का उपाय आपके लिए है, पांव के दोनों अंगूठों पर काला व सफेद धागा मिलाकर बांधने से स्वास्थ्य में आपके सुधार। अब हम चर्चा करेंगे जो मकर राशि के जातक हैं उनका आज का दिन कैसा जाने वाला है। देखिए, सेहत से जुड़ी परेशानियां असहजता का कारण बन सकती हैं। संदिग्ध आर्थिक लेन देन में फंसने से भी आपको सावधान रहना है। आज किसी दूर के रिश्तेदार के यहां से मिली कोई आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लेकर आ सकती है। किसी दिलचस्प इंसान से मिलने की भी प्रबल संभावना है। आज प्रतिस्पर्धा के चलते कामकाज की अधिकता थोड़ी थकावट भरी रह सकती है। घर के छोटे सदस्यों को साथ लेकर आज आप किसी पार्क या शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन गुजार सकते हैं। आज का उपाय होगा आपके लिए काले घोड़े की नाल से बना छल्ला पहनने से आपके स्वास्थ्य में मजबूती आएगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा। अब हम चर्चा करेंगे जो कुंभ राशि के जातक हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो आइए जानते हैं, आज आप ऊर्जा से लबरेज होंगे। आप जो भी करेंगे उसे आप उससे आधे वक्त में ही पूरा करने की क्षमता रखेंगे अपने अंदर। जितना वक्त आप अक्सर लेते हैं उससे भी कम समय में बोलते समय और वित्तीय लेन देन करते समय सावधानी बरतने की आपको बेहद जरूरत है। बेटी की बीमारी आपका मूड खराब कर सकती है, उत्साह बढ़ाने के लिए उसे स्नेह से दुलारें। प्यार में बीमार को भी भला चंगा करने की ताकत होती है। घर में परेशानियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन अपने साथी को छोटी छोटी बातों के लिए आप ताने देने से बचिएगा। कारोबारी जितना हो अपने कारोबार से जुड़ी बातों को किसी से बिल्कुल भी शेयर ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा कोई शख्स आज आपसे संपर्क स्थापित करे और इस दिन को यादगार बना देगा। खर्चों को लेकर जीवन साथी से कुछ तनातनी भी संभव है। आज का उपाय आपके लिए रहने वाला है, लाल चूड़ियां वे लाल वस्त्र कन्याओं को दान में देने से आर्थिक स्थिति में आपकी सुधार होगा। अब चर्चा होगी जो मीन राशि के जातक हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो आइए जानते हैं। तो देखिए साथियों, आपका दानशीलता का जो व्यवहार है आपके लिए छुपे हुए आशीर्वाद की तरह सिद्ध होगा, क्योंकि यह आपको शक, अनास्था, लालच और आसक्ति जैसी खराबियों से भी बचाएगा। जिन लोगों ने कहीं निवेश किया हुआ था, आज के दिन आपको आर्थिक होने की संभावना बन रही है। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भागदौड़ भरे दिन में आराम और सुकून देने वाली साबित होगी। रोमांस के लिहाज से रोमांचक दिन है। शाम के लिए कोई खास योजना बना सकते हैं और जितना हो सके उसे उतना रोमानी बनाने की कोशिश करें। अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल भी पेशेवर मामलों को सहजता से सुलझाने में आप कर सकते हैं। चीजों और लोगों को तेजी से परखने की क्षमता आपको दूसरों से आगे बना करके रखेगी। आपको और आपके जीवन साथी को कोई बहुत सुखद खबर आज सुनने को मिल सकती है। तो ये था आपका राशिफल और आज के लिए आप मीन राशि के जातकों के लिए उपाय है, स्नान करने के पश्चात सफेद चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर करें। उससे आज आपका दिन और आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत रहने वाली है। तो ये था मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक का दैनिक राशिफल दिनांक 18 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार संवत 2077 के लिए। मित्रों, अब समय आ गया है अपनी वाणी को विराम देने का और हमारे सभी साथियों से इजाजत लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।